प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संगठन का सिद्धांत पर्यवेक्षण सुपरविजन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ आपको मैं। किसी भी संगठन में नीतियों, कानूनों तथा योजनाओं का निर्माण जितना महत्वपूर्ण कार्य है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण व जटिल कार्य है उसका संचालन और नियंत्रण करना। आधुनिक प्रशासनिक संगठनों में समन्वय के लिए अपनाई जाने वाली विधियों में हम लोगों ने पढ़ा था, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, संचार और नेतृत्व प्रमुख है। प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए नियम विनियम बना देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसको लागू करने के स्तर पर दिन प्रतिदिन निरीक्षण जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि जिस कार्य का निरीक्षण नहीं किया जाता, वह कार्य होता ही नहीं। प्रशासनिक पद सोपान में ऊपर से नीचे तक सत्ता और उत्तरदायित्वों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी का कोई ना कोई पर्यवेक्षक भी होता है, क्योंकि संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य भी है। तो उच्चाधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी के कार्यों की जांच और उसके यथा आवश्यक जो परामर्श हैं, उसको हम मोटे तौर पर हम क्या कहते हैं, पर्यवेक्षण कहते हैं। थोड़ा सटीक से इसका और अर्थ देख लेते हैं। पर्यवेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सीखने, अपने ज्ञान तथा कौशल का सर्वोत्तम उपयोग करने तथा योग्यताओं में सुधार करने में किसी पदाधिकारी की सहायता प्राप्त होती है। यानी नेगेटिव सेंस नहीं होता सुपरविजन का, पॉजिटिव सेंस है, ताकि कर्मचारी अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकें, ताकि इसमें कर्मचारियों एवं उनके संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा संतोष मिलता रहे। यानी अधिकारी के द्वारा उनको सिखाया जाता है, सबॉर्डिनेट को उनके स्किल को और ज्ञान को और ज़्यादा यूज कर सके, इसलिए क्या उसमें सुधार की गुंजाइश क्या है वो बताई जाती है, और कर्मचारी को क्या है इफ़ेक्टिव बनाया जाता है, ताकि संगठन और कर्मचारी जो दोनों हैं उनको क्या है ज़्यादा संतोष मिले। तो ये पर्यवेक्षण का एक सामान्य अर्थ है। इसके पश्चात हम पर्यवेक्षण की कुछ खास विशेषताएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जीडी हेल्से ने पर्यवेक्षण की विशेषताएं निम्न प्रकार से बताई है। वो कहते हैं कि यह एक क्या है, सतत प्रक्रिया है, और सतत का मतलब यही है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सुपरविजन कंटिन्यूस होना चाहिए। यह दोहरी प्रक्रिया है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ओर दिशा निर्देश दिए जाते हैं, दूसरी ओर दूसरों के कार्य का निरीक्षण भी किया जाता है, यानी निरीक्षण के साथ साथ सिखाया भी जाता है। तीसरी खास बात इसकी ये है कि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति, अनुशासन व समन्वय की स्थापना तथा कार्मिकों की सहायता इससे क्या है प्राप्त की जाती है। यानी पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है, अनुशासन और समन्वय की स्थापना करना है और कार्मिकों की सहायता भी करना है। यह एक क्या है, व्यापक अवधारणा है। व्यापक अवधारणा इसलिए है क्योंकि संगठन के उद्देश्य, कार्य की प्रकृति, पदसोपान के स्तरों से क्या है ये प्रभावित होती है। मान लीजिए किसी कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा किसी कार्यालय में कार्यरत लिपिक का पर्यवेक्षण बिल्कुल अलग प्रकृति का होता है। इसी प्रकार कुशल व्यावसायिक तथा विशेषज्ञ का पर्यवेक्षण एक अकुशल कार्मिक से अलग होगा। संगठन के उच्च स्तर पर किया जाने वाला पर्यवेक्षण जो होता है वो सीमित होता है, किंतु बहुत चतुराई की मांग करता है, जबकि निम्न स्तर पर किया जाने वाला पर्यवेक्षण में निरंतरता और व्यापकता होना जरूरी है। इसके अलावा पर्यवेक्षण का समन्वय, मोटिवेशन, लीडरशिप, कार्मिक संतुष्टि, निष्पादन क्षमता से क्या है सीधा संबंध है। पर्यवेक्षण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि एक शैक्षिक गतिविधि है। ये हम देख चुके हैं कि इसमें सिखाने का भाव भी रहता है। विशेषताओं के बाद हम पर्यवेक्षण के दृष्टिकोण और प्रकारों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे समन्वय में हमने उसके अर्थ को दो सेंस में समझा था, नकारात्मक और सकारात्मक, इसी प्रकार से पर्यवेक्षण के भी क्या है, दो दृष्टिकोण हैं। नकारात्मक दृष्टि से पर्यवेक्षण परंपरागत निरीक्षण का पर्याय है, जिसमें कमियों को ढूंढना, अधीनस्थों में भय का वातावरण बनाना शामिल है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में क्या होता है, केवल सदस्यों की गतिविधियों का निर्देशन और जांच ही होती है। जबकि सकारात्मक पर्यवेक्षण जो है, उसमें सदस्यों को कार्यों की सर्वोत्तम दशाएं उपलब्ध करवाई जाती है,
सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, उनको मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, पर्यवेक्षण के दो सेंस हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। दृष्टिकोणों को जानने के पश्चात अब हम पर्यवेक्षण के प्रकारों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला है वास्तविक पर्यवेक्षण और ये तकनीकी पर्यवेक्षण। ये जो दो प्रकार हैं ये मिलेट के द्वारा दिए गए हैं। वास्तविक पर्यवेक्षण जो है उसको मूलभूत पर्यवेक्षण भी कहते हैं। यह वह होता है जिसमें किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वास्तविक कार्य से संबंधित होता है, अर्थात उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित जो सुपरविजन है वो क्या है, वास्तविक है। तकनीकी पर्यवेक्षण में कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी तरीके और तकनीकें अपनाई जाती है उसके लिए जो पर्यवेक्षण होता है वो क्या है, तकनीकी पर्यवेक्षण होता है। इसी प्रकार जब किसी कार्य या व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक देखता है तो वो एकल पर्यवेक्षण है, जब एक से ज़्यादा देखते हैं तो वो बहुल पर्यवेक्षण है। टेलर की जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप की या कार्यात्मक फॉर्मेनशिप की जो अवधारणा थी वो क्या है, बहुल पर्यवेक्षण थी। इसी प्रकार सूत्र पर्यवेक्षण पद सोपान श्रृंखला से जुड़ा हुआ मूलभूत पर्यवेक्षण है और कार्यात्मक पर्यवेक्षण जो है विशेषज्ञों द्वारा किया जाने वाला पर्यवेक्षण है। तो इस प्रकार से पर्यवेक्षण के ये निम्न प्रकार हैं। अब हम पर्यवेक्षण की विधियाँ या तकनीकें जो हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यद्यपि किसी संगठन में पर्यवेक्षण की कौन सी विधि अपनाई जा सकती है यह संगठन के उद्देश्यों, आकार, कार्य की प्रकृति और अन्य कई कारकों पर डिपेंड करता है, फिर भी मिलेट ने क्या है, 6 ऐसी विधियाँ बताई है जो पर्यवेक्षकों द्वारा सामान्यतः काम में ली जाती है। पहली है पूर्व स्वीकृति। जिस प्रकार प्लानिंग समन्वय का प्रथम आधार, प्रथम कारगर विधि है, वैसे क्या है सुपरविजन के लिए भी क्या है, योजनाओं और कार्यों का पूर्व अनुमोदन जरूरी है। इस तकनीक में क्या होता है, कार्य या योजना शुरू करने से या कोई नीति बनाने से पहले ही अधीनस्थ व्यक्ति या एजेंसी उच्च सत्ता से क्या है, परमिशन लेती है। इससे क्या फ़ायदा होता है, पर्यवेक्षक जो है जो हायर अथॉरिटी जो है उसको क्या है, संगठन की नीतियों, योजनाओं तथा भावी कार्यक्रम की पहले से क्या है, जानकारी मिल जाती है। योजना या कार्य को स्वीकृति देते समय ही यह परिवर्तन या सुधार उसमें किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो सुपरवाइजर है उसको भी यह पता चलता है कि कार्य में संभावित बाधाएं क्या होगी, कठिनाइयों, विवादों और भ्रांतियों का समाधान भी क्या है इसमें समय रहते किया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, पूर्व स्वीकृति जो है वो भी एक सुपरविजन की विधि है। दूसरी विधि जो है वो है सेवा एवं कार्यों का मानकीकरण। इसके अंतर्गत जो टॉप मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं उनके द्वारा अभिकरण या संगठन में जो चलाई जाने वाली सेवाएं या कार्य हैं उनका लक्ष्य स्तर जो है उनको क्या है, मानकीकृत किया जाता है। इससे जांचने में आसानी हो जाती है कि कोई कार्मिक या इकाई जो मानक तय किए थे कार्यों के और सेवाओं के उनके अनुसार कार्य हुआ है या नहीं। चूँकि पर्यवेक्षक के पास एक मापदंड होता है, पैमाना होता है, क्योंकि मानकीकरण कर दिया होता है, अतः कार्यकुशलता तथा निष्पादन का जो स्तर है उसको हम क्या है, सरलता से क्या है, मूल्यांकन कर सकते हैं और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सुधार या सुझाव जो है वो क्या है, दिया जा सकता है। तो सेवा व कार्यों के मानकीकरण से भी क्या है, सुपरविजन करना आसान हो जाता है। इसके बाद आता है कार्य का बजट पर्यवेक्षण की। यह भी एक प्रभावी तकनीक है। इसमें क्या है, उच्च प्रबंधकों द्वारा निम्न स्तरीय इकाइयों पर क्या है, सरलता से नियंत्रण किया जा सकता है। बजट अपने आप में भी क्या नियंत्रण का एक औजार है और बजट के द्वारा क्या होता है, निम्न स्तरीय इकाइयों के विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के लिए क्या है, आवश्यक धनराशि की मात्रा निश्चित कर देते हैं। कोई भी ये जो मात्रा तय की गई है उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता और न ही किसी दूसरे कार्य के लिए बजट उपयोग कर सकता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें केंद्रीय नियंत्रण की व्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना स्थानीय स्तर की पहल को भी क्या है, प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बजट की जो सीमा है वो भी क्या है, सुपरविजन की एक तकनीक है। इसके बाद आता है कार्मिकों की स्वीकृति। सरकारी एजेंसी में कोई भी संस्था अपने सभी प्रकार के कार्यों, कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति के क्रम में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती उनको। कार्मिकों का चयन और नियुक्ति की जो स्वीकृति के जो अधिकार हैं वो प्राय क्या उच्च स्तरीय सत्ता में रहते हैं। अधीनस्थ संगठनों पर नियंत्रण की इस विधि से अनावश्यक व्यय और पक्षपात पर अंकुश लगाया जा सकता है। कार्य संचालन से जुड़े संगठनों को केवल अधीनस्थ व निम्न स्तरीय कार्मिकों की भर्ती की स्वीकृति दी जा सकती है।
ज़्यादातर उच्च स्तरीय व प्रशासनिक श्रेणी के जो पद होते हैं वो केंद्रीय एजेंसियां जो होती है, भर्ती की एजेंसियां, जैसे लोक सेवा आयोग है, जैसे भारत में केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य पर हमारे यहाँ राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उनके द्वारा भरे जाते हैं। जो भी नियुक्तियाँ, पदोन्नतियाँ, कार्मिक सेवा सुधार संबंधी आदेश हैं अधीनस्थ संगठनों द्वारा दिए जाते हैं, उनकी स्वीकृति भी क्या है, हायर अथॉरिटी से होती है। तो इस प्रकार से कार्मिकों की स्वीकृति के द्वारा भी क्या है, सुपरविजन किया जाता है। रिपोर्टिंग जो है, प्रतिवेदन जो है, इसमें उच्च स्तरीय सत्ता या प्रबंधकों के द्वारा कार्य की प्रगति या संगठनात्मक गतिविधियों से अवगत कराने की एक ये लोकप्रिय तकनीक है। रिपोर्ट मांग लेते हैं उच्च उनसे के ऊपर के जो अधिकारी हैं, वो रिपोर्ट इनकी दैनिक भी हो सकती है, साप्ताहिक हो सकती है, मासिक, पाक्षिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक या कोई विशेष रिपोर्ट भी हो सकती है। और उस रिपोर्ट से क्या है, उनको किए गए कार्य की वास्तविक जानकारी मिल जाती है, परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, उनका वो मूल्यांकन कर लेते हैं और संगठन की जो प्रमुख गतिविधियाँ, उपलब्धियाँ हैं उन पर भी क्या है, चर्चा हो जाती है। तो ये भी एक सुपरविजन का एक माध्यम या तकनीक है। अंत में निरीक्षण या जांच पड़ताल भी एक प्राचीनतम तकनीक है। निरीक्षण का उद्देश्य यही देखना होती है कि अधीनस्थ इकाइयाँ निर्धारित मानकों, नियमों या कार्यविधियों के अनुसार कार्य कर रही है नहीं। अधीनस्थ इकाइयों का कार्य निष्पादन मुख्यालय या उच्चतर की अपेक्षाओं के अनुरूप है या नहीं। उच्चाधिकारी या सुपरवाइजर स्वयं जाकर भी किसी कार्यालय एवं कार्मिक का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का पता लगा सकता है। तो इस प्रकार से निरीक्षण के द्वारा भी हम सुपरविजन कर सकते हैं।